कैसी फिटिंग रखने वाले हो? छोटू तो आएगा ना मेरे घर पे, उतना ऊपर मत लगाओ, 100 मतलब इतना थर्ड क्लास में होता है। What's up? Welcome back to another episode of Hustle with Sar and to the first episode of the making of the Sara Squad Studios. We start today. Adulting begins. मैं अभी कॉलेज से वापस आई हूँ और मेजरिंग टेप लेके ऊपर वाले घर जा रही हूँ. That is my own home, my own place for the next 11 months. It's so surreal. Yesterday I uploaded the empty house tour and I've been seeing all your comments and it's so sweet कि मुझे अभी हिट हो रहा है बहुत हार्ड के बहुत अडल्टिंग वाले काम करने पड़ेंगे. एंड टू बिगिन विद द फर्स्ट थिंग इज टू ऑर्डर फर्नीचर. बाकी और काफ़ी फर्स्ट थिंग्स है जो हो चुकी है अपार्ट फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन पेमेंट, वो सब तो हो गया है. उसके साथ ही मैंने एसी वाले को कल बुलाया है तो वो कल आएगा इंस्टॉल करने के लिए. एसी का तो अलग ही ड्रामा है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी. बट नाउ मॉम एंड आई आर गोइंग ऊपर बिकॉज वी कांट गो टू आईकिया. आई रियली वांटेड टू, यू नो, आई हैड प्लान्ड कि जब मैं रेंट पे लूंगी हम आईकिया जाएंगे, व्लॉग बनाएंगे. अभी तक मैं मुंबई वाले आईकिया नहीं गई बिकॉज आई हैड इट इन माइंड दैट व्हेन आई विल रेंट माय प्लेस आई विल गो टू आईकिया. बट वो दिन आ ही नहीं रहा है और आने भी नहीं वाला है, आई डोंट नो कब आएगा. तो इसलिए अभी तो हमको फर्नीचर की जरूरत है, लाइक बेसिक फर्नीचर पीसेस जस्ट टू लाइक गेट द बेसिक नेसेसिटीज इन स्टोरेज एंड एवरीथिंग. तो इसलिए वी आर ऑर्डरिंग ऑनलाइन. सो आई एम गोना मेजर माय स्पेस एंड सी व्हिच ऑल यूनिट्स आई कैन बाय एंड कितना मेजरमेंट है, कितना चाहिए कितना नहीं चाहिए. तो चलो चलो मम्मी, लेट्स गो मदर इंडिया. सेफ्टी मेजर्स प्लीज यूज योर वेयर योर मास्क. तीन माला ऊपर जाने के लिए क्या है? लिफ्ट नहीं, मैं सीढ़ी से जा रही हूँ. बस तुम लिफ्ट लो, मोतीचूर का लड्डू खाओ और लिफ्ट लो. तुम कम या कमिंग? वो क्या करेगा, वो मेजरमेंट लेगा. कम थोड़ा चलता है, बहुत थक जाता है. अभी तीन माला ऊपर नीचे करने का आदत डाल ले तू बेटा. चल डाइजेशन कम हो जाए. गुड बॉय. सी फज हाउ इज क्लाइंबिंग लाइक अ फुर्तीला. अभी दिस इज ओनली एवरी टाइम यू गोइंग टू मेक मी पुट शूज फॉर हिम ऊपर नीचे. तुम उसको नीचे रखो भाई, चलेगा मेरे को, रह ले तू मेरे बिना भाई. फज्जू फज रियली 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 लाइक्स दिस स्पेस. जैसे ही आता है वो भाग के इधर ही चढ़ जाता है कि मुझे ऊपर बिठाओ. ये किसकी वायरस है? He's come to put the Wi-Fi right now. टीवी केबल का है ये, टीवी केबल का ना, टीवी नहीं चाहिए अपने को. अब वाईफाई का देख लो, वाईफाई बहुत जरूरी है मेरे को. ये बेड भी कोई लेगा क्या श्रीनिवास? ये बेड बेचने के लिए कोई है क्या? 72 cm × 140 is 6 drawer वाला. तो 72 cm is, तो दो ड्रॉस फिर उसके ऊपर जो पायरी है उस पर अपन रखेंगे ना सामान. ओके, सामान स्टोरेज तो चाहिए ना. ओके, 152 सेंटीमीटर्स हाइट होगा ना उसका. कितने सेंटीमीटर की टेप है वो जो, और 70 का एक क्लोथ रैक इधर ले सकते हो. तो दो टेबल है, जो ब्लैक वाला है ना थोड़ा सस्ता है, मैं सोच रही इधर के लिए लूं. हाइट उसकी 100 है, 100 मतलब इतना. हाँ, और उसका विड्थ 60 है. यू शुड चेक योर हाइट. That our table 175 cm. अरे what we are using now, you have to check that. But for this table is for makeup, for doing makeup. हाँ, so that is okay. If it's a little short, because I don't want it to come in my fridge. It should come this level. Yeah. So अभी वो room में wardrobe और 3 drawers check करते हैं. इतना तो मैं मंगा ही लेती हूँ आज. Wardrobe is 79 × 176 cm. 80 × 78 cm. That alignment won't look good, yaar. One short and one small. Drawer and cupboard, mummy. It doesn't look good, Sara. We'll see, we'll figure it out. But I'll get the 3 wallaby. That place, even if I do decor and I do beautify it, I cannot sit and film in this room because there's no AC. Yeah, but whenever you want to, you know, make a vlog or you know something. हाँ, तो we will put decor on it. But इतना भी नहीं, मतलब. It's going to take me a while to get used to this. Instead of going to my 9th floor house, I just came seedha niche. Fajju, come. Fajja, we are not come for walk. He thinks we are come for walk. Come first. Kya leke aaye ho aap? Khali router laaye ho ki? Khali modem laaye ho? Wo leke aaye ho.
उतना ऊपर मत लगाओ भैया, इधर ही लगा दो। हाँ देखती हूँ बाद में रेंज अपने को। हाँ ठीक है उधर ही लगा दो। कमन फज्जू विल गो। आप नीचे वाले घर में आ जाओगे? ठीक है चलो। वो 5,700 में इंक्लूडेड है ना जो उसने हिसाब किया था? बात कर लीजिएगा। छोटू तो आएगा ना मेरे घर पे? छोटू ने बाहर छोटू तो पहले ही बोला था दीदी आप किधर जा रहे हो, मैं आ रहा हूँ। तो तुम फज का बोल साफ करोगी ना? अभी नहीं करने वाली साफ। फज तो इधर फज फजर में मदर है वेरी अनहेल्दी रिलेशनशिप। लाइक लुक एट द दही शी बाइस फॉर हिम। हमको ना वो गोवर्धन दही उसको एपिगामिया मिलता है। व्हाट फजा लिविंग द लग्जूरियस लाइफ एंड ऑल। 6.5 hours later। तुम कुत्ते को कैसे छेड़ सकते हो? बेचारा बच्चा है वो। अच्छा ये तो दो क्या दो, मेरी माँ आके तुमको देगी फिर मोतीचूर लड्डू। मेरा बेटा कार्पेल पे डम्बी से लग गई। कुछ नहीं लगा है। लगा है देखो सूज गया, सूज रहा है। Every time I feel like I have aced adulting just a little bit, it keeps getting just a little bit harder. It's very challenging at times to do everything by myself, to like figure things out. It's not like my parents don't help me, it's just that a lot of the things that I am doing, they also don't know. Like they don't have a lot of idea about it. Not like they don't know, like they won't find it out for me. They might connect me to people that will help me eventually. तो वैसे मुझे help मिल जाती है, but फिर बाद में मुझे अपना भेजा run करना पड़ता है. Like it's a lot to do with finances only, like planning, investments and stuff like that. Now आज के एक दिन में अभी since I'm being very real with y'all and y'all keep asking me rent कितना है, ये कितना है, वो कितना है, वो सब तो I'm gonna reveal in the Q&A video. But जैसे जैसे खर्चे भी हो रहे हैं, I feel like I should like share it with y'all so y'all have an idea कि कल को if y'all have to take such a big step, which I definitely encourage you should all, if life allows you to and if that is something on your bucket list, then you just get like a brief idea. तो आज एक दिन में मैंने वाईफाई का राउटर लगवाया तो उसका मुझे 3,200 पड़ा। IKEA पे आई ऑर्डर फर्नीचर फॉर 33,500, दैट वाज अ बिग हिट दैट आई टुक। यस्टरडे आई गिव द एसी गाय डिपॉजिट टू पुट एसी, सो आई एम रेंटिंग एसीज, आई एम नॉट बाइंग इट बिकॉज इट्स कमिंग आउट टू बी मच चीपर। मुझे एक एसी का मंथली रेंट 1,000 रुपया पड़ रहा है, तो दो एसी का मंथली 2,000, तो 11 महीने का 22,000, जिसमें एक एसी मैं खरीद भी नहीं पाऊंगी। तो दैट्स व्हाई रेंट इज कमिंग आउट टू बी चीपर, जस्ट दैट डिपॉजिट इज एक्सपेंसिव बट देन दे टेक केयर ऑफ ऑल द सर्विसिंग एंड एवरीथिंग। सो डिपॉजिट मनी तो ऑफकोर्स यू गेट बैक ना इवेंचुअली। तो 10,000 कल उसका दिया, आज वाईफाई राउटर का दिया, आज IKEA में फर्नीचर खरीदा, और भी कुछ फटका पड़ा मेरे को आज। समथिंग एल्स आई कांट रिमेंबर। शिट, I do note down all my expenses, just FYI, I have a app, I use the money manager app which is very good, तो उस पर मैं सारा income expense अब like note down करती रहती हूँ। So yeah, it's fun, it's definitely fun, because ऐसे खर्चे मैंने नहीं किए थे। देखो मेरा idea क्या है ना, like if I was earning this much and if I was not going to make these big investments and big expenses and adult, I would have just wasted all this money on shopping, ye kharido, wo kharido. I can go ahead buy a luxury bag if I want, I can buy another iPhone if I want, I can get a car for myself if I want. You all know how much I love driving, I would love to one day have the car I dream of, and I do want to get all those things, but I just feel like right now this investment is important for me. If I get a place where I can just create content peacefully, wo set up ho jaye jagah, to uske baad ye sab cheeze hoti rahegi, you know, life mein. Like you have to prioritize your expenses, you just have to prioritize what you need more than what you want. Like I want a Royal Enfield, I want a Bullet, I want a lot of things in life, but I have to prioritize my expenses. I'm currently just collecting all my bank statements because I have to email them to my CA. So while I was doing all of that, like collecting all my bank statements, because every month I don't sit and download my bank statements, I realized that it's all getting very real. Like the thing is now, you guys, I am just 22. Like a lot of y'all keep telling me in my
videos that oh you look so old, you're faking that you're 22. मुझे क्या मजा आएगा अपने आप को जवान दिखा के, मतलब मैं कौन से 40-50 साल की हूँ, क्या I have to tell I'm 22. I am 22, I've not even finished my bachelor's degree. What more proof do you need? The thing is that this was not the OG plan. This was not how it was supposed to go. How my life was initially planned. A lot of the things might look very exciting from the outside, which definitely a part of it is very, very exciting to take all these big milestones. But a part of me wasn't prepared, planned and ready for this. So you have to be very accepting to jo ho raha hai, jaise ho raha hai, to take it one step at a time and make the most of it. If that is your attitude, then only you can grow in life. Otherwise, if I was hell bent ki nahi ye aisa nahi hona tha, ye aisa nahi hona tha, to growth hoti nahi, you know. You have to be a little malleable towards the outside to let yourself grow no matter what the situation and where life puts you in. Main bahut thaki bhi lag rahi hu and pata nahi kahan se ye sab gyan aa raha hai. But anyways, I'll finish my work and I'll see you tomorrow. The next morning, I woke up and छोटू के मम्मी खराब दूध वाली कॉफी, like इतनी गंदी थी, छी वो देखी गंदी रही थी, उसकी सूरत ही इतनी गंदी थी. The soya milk definitely got spoiled. I'm so glad I did not swallow it. That's what she said. It was so yuck. Anyway, good morning, you guys. Good morning. Not a good morning, but good morning. Actually, it's not even morning. It's afternoon because it's what, 12:52 actually right now. I'm just having my breakfast. I have my mango oats right here, my staple with my boiled eggs, and after that I'm gonna get ready. Tonight I have to go to my Jiju's house, that is Sabrina and Jiju's house, because Jiju is going back to South Africa because he has work and he has to go back. So today we are like having a sort of a farewell for him. Alright, chalo din ke liye taiyar ho jate. Abhi jaake I washed my face. This is the face wash that I use to wash my face. This is my Dermaweave Hydra Cleanser. I always use this and I vouch by this product. Next, I'll just take my serum for some spot treatment and spot correction. Like you saw, I do not remove the excess water from my face. I just dab the serum on like a damp face. It just acts better, I feel. So jana to वैसे मुझे शाम को है, but मैं अभी से तैयार हो रही हूँ क्योंकि मम्मी ने मुझे बोला मम्मी और डैड ऑलरेडी उधर चले गए. डैड काम पे गए बट उधर से सीधा आ जाएंगे. माई मॉर्निंग वॉइस इज सो होस ना, लाइक आई फील लाइक कुछ अटका हुआ है मेरे गले में और मैंने कॉफी का अभी तक एक सिप भी नहीं लिया क्योंकि बहुत गर्म थी. कॉफी जस्ट मेक्स योर लाइफ सो मच बेटर. एंड अब तो मैं हनी भी डालना बंद कर दी, लाइक माई कॉफी इज एब्सोल्युटली बिटर एंड आई लव इट. आई लव बिटर कॉफी. सो नाउ दैट माय सीरम इज सोक्ड इन, आई एम यूजिंग माई न्यूट्रीडर्म विटामिन ई मॉइस्चराइजिंग लोशन टू मॉइस्चराइज माई फेस. आई टेक वेरी लिटल ऑफ इट बिकॉज इट्स ह्यूमिड आउटसाइड, आई डोंट वॉन्ट अ लॉट ऑफ मॉइस्चराइजेशन. बट मैं घर पे ही हूँ अभी तो इट शुड एक्ट रियली वेल. शाम को निकलने से पहले आई विल एड अनदर लेयर ऑफ द मॉइस्चराइजर एंड देन माई सनस्क्रीन इज वेल. आई एम ट्राइंग टू ब्लॉग एज मच एज आई कैन नाउ दैट लाइफ इज चेंजिंग for me and I'm making such big decisions and realizing that I'm making all of them with y'all as a family, also watching me as a community just growing with me is interesting to know because I also will make mistakes, you guys. I have not learned all this from a book. Okay, it's not playing by the books, it's not playing by the rules. I'm taking a lot of risks. I know I might fall on my face very many times, but the whole point is that you emerge stronger, right? Okay, this is life, this is literally my real life that you're watching. Aur kafi kuch ulta seedha hoga. I'm not even saying ke it's going to go exactly perfectly fine because I've planned it itna. I might have 100 plans and all 100 might fail and I'll have to come up with one extra one. So it's just as it goes, and I want you all to see and live it with me, which is why I'm planning to vlog quite a lot. Let me know in the comments if you would be interested to see more vlogs. I'll try to edit and upload them more often. Not daily vlogging because roz ka roz to main nahi kar paungi edit and upload because abhi bhi college chalu hai, mera internship khatam nahi hua hai, jiski wajah se main aur bhi zyada thak rahi hu. And rental mera 15 tarikh se shuru ho raha hai, like my checks are signed for 15th. So uncle, the landlord who's there, he's very sweet and he's just given me the keys ki you can get the work started, like AC fit karwana wagera. तो इसलिए मैं वो सब काम अभी शुरू कर रही हूँ ताकि 15 तारीख से आई कैन स्टार्ट लिविंग एंड यू नो गेटिंग स्टफ डन, लाइक कॉन्टेंट वाइज ऑल्सो. एंड आई रियलाइज दैट अ लॉट ऑफ माई ऑडियंस इज वेरी यंग, यू ऑल आर रियली रियली स्मॉल एंड यू ऑल माइट नॉट अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ व्हाट आई एम डूइंग और माइट नॉट रिलेट. बट आई जस्ट वॉन्ट यू ऑल टू नो दैट दिस इज नॉट अ कॉम्पिटिशन. इट्स नॉट दैट आई एम शोइंग यू ऑल दिस सो दैट यू फील जेलस. इट्स अबाउट हाउ यू लुक एट इट. यू माइट लुक एट इट लाइक अ लर्निंग. यू कैन जस्ट लुक एट इट लाइक कल को जब मुझे अपना घर लेना है या जब मुझे अपने पार्टनर के साथ घर लेना है या अपनी फैमिली के लिए घर लेना है, आई कैन फॉलो दी स्टेप्स, यू नो दैट सारा डिड दिस टू गेट हियर, सो मे बी आई कैन ट्राई द सेम वे टू, बिकॉज दिस वॉज नॉट माई प्लान ए. ओके, दिस इज नॉट हाउ आई
tried or planned things to happen. I'm just adapting with life as it's taking me along. And when I told her that my mom and my parents don't know itna, it's because unka jo life ka strategy, unka jo life ka investment plan hai, wo mujhse kaafi alag hai. Like unke paas kabhi ghar hi nahi tha apne liye, because they both don't have fathers. Like their fathers passed away when they were little, so they had to make their house only from scratch. So every time they would have a little surplus money, they would invest in real estate to get themselves a better home. So we've moved homes so many times. Like they've moved homes so many times. I've moved homes thrice since I was born. This is my third home. But they've bought all the houses, they've never rented. So they don't have much experience with rent and how that life goes about. So then I'm taking a lot of feedback from my friends who rent homes and their parents and stuff like that. So you should take help from wherever. That is very important, sourcing help and making the right decision, because at the end of the day, it's a lot of money that goes ek saath. So tumko wisely lagana hai, tumko kahan lagana hai. Like abhi ACs bhi main aur papa us din soch rahe the ki chal ek AC apun khareed lete, dusra AC hum rent kar lenge. Matlab mujhe hi lena hai, but he was advising me. But then when we did the math, we were like, कि नहीं, इट्स वाइज कि पहले साल में हम दोनों एसी रेंट ही कर लेते, बिकॉज काफी सस्ता पड़ रहा है. एंड एसी जब खराब होते हैं तो उनका मेंटेनेंस वगैरह का कॉस्टिंग अलग ही आता है, तो वो सब हेडेक हमको चाहिए ही नहीं. इसलिए जब रेंट पे लो तो सर्विसिंग वगैरह वो लोग सब खुद करके देते हैं. लास्टली आई एम जस्ट गोइंग टू मॉइस्चराइज माई एशी AF एल्बोज विद माई डर्मावेव मॉइस्चराइजिंग लोशन. ये भी खत्म हो गया ब्रो, पूरा मैंने बॉटल्स एंड बॉटल्स ऑफ दिस आई एम निचोडोफाइड. Very very good. I really like this moisturizer. इसका कुछ ज़्यादा smell भी नहीं है. Like it has a fragrance, but it's very mild. Like, since I work with the company, I can always let them know, you know, that my products are over. Please ship. All right, so we are ready. I'm gonna take my coffee and let's move this party to the study table so that we can get some editing done. अगर मैं बेड पे बैठ के editing की ना तो कुछ भी नहीं होने वाला है मुझसे. बस दोपहर आएगी, खाना खाऊंगी and धीरे-धीरे I will slide into bed and go to sleep for a nap. तो वो avoid करने के लिए हम बैठते हैं हमारे चेयर और टेबल पे. वैसे भी अभी खाना इतना जल्दी नहीं खाने वाली मैं, कुछ नाश्ता तो अब भी किया है हमने. और ये हमारे लाड साहब जो है वो सिर्फ सोते हैं. हाँ, ये बेटा जी आप तो तकिए के जैसे ही दिख रहे हो इधर. हाँ, मैं अब भी आके तेरे पे बैठ जाती. तकिया विद टू आईज लैपटॉप. यस बेबी. Oh, by the way, did you all watch the new season of Lucifer? It's so boring. Like, I can't get through it. It's that bad. Like, I know Lucifer is majorly to do with how hot Tom Ellis is, and I appreciate his hotness, but abhi na wo thoda budda ho raha hai. No shade to all the old men, but it is like he's not that attractive to me anymore. Plus, the Chloe and uska jo tangent hai, wo bhi kaafi. Matlab, if you don't know, Lucifer is a show on Netflix, and I was obsessed with it for a while. I had binge watched that show. But now this new season is really meh. Like I'm dragging through it to get through it. That moment when you realize Uber auto is more expensive than Uber car. I mean, what even? Well, we are going to be one day. That'll be the next vlog, but what are we going to get at Bhiwandi? Furniture, decor, curtains. What is the point of you staying in Thane when you don't go? Bhiwandi is different from Thane. I'm doing the most adventurous thing I've done in 1.5 years. I'm riding my local train because of Disha. Yes, because you couldn't get an Uber ride. Because I couldn't get an Uber, all the Ubers were ditching me. And at least I have company. तुझे क्या मजा आता है इधर क्रॉस करने में? मैं बोला 1.5 साल. ब्रो तू सेकंड क्लास में नहीं जाती? नो, थर्ड क्लास. थर्ड क्लास में होता है? फर्स्ट क्लास. अच्छा, व्हाट? आई यूज्ड टू ट्रैवल 4 इयर्स बाय ट्रेन. ओके, ओनली दिस वन एडवेंचर फॉर यू. बट आफ्टर द पेंडेमिक आई हैव नॉट टेकन द ट्रेन एट ऑल. रखने वाले हो कि हुआ नहीं है ये फिटिंग, ये एसी का हो गया ये सब, मतलब ऐसा नहीं रहेगा, थोड़ा कंसील करोगे ना. और ये रूम का क्या है प्रॉब्लम, क्या हो रहा है इधर के एसी का? मालूम है तो प्लैंक लगा के लंबा करोगे क्या? कितना लंबा होगा? लेकिन मेरा सनलाइट नहीं ब्लॉक होना चाहिए. वो तो ज्यादा नीचे तक नहीं आएगा भाई. कितना तक आएगा? 1 फुट नीचे नहीं आएगा, वो 1 फुट 4-5 इंच नीचे आएगा.
वो एसी वो जो वोल्टास का लगा है वो अच्छी कंडीशन में है ना? जी बिल्कुल। So I just came to this house. I actually want to keep the Quran Sharif ki peti in this house, which is why I came here. I want to keep both actually. I want to keep the cross as well as the Quran Sharif. You all know I'm very strong in my faith for both the religions. It's just that right now I don't have the ideal big nice cross to keep. So that's why I got my Quran Sharif ki peti and kept it over here. And yeah, that's the first thing we've kept in this house so far. We've not put anything else of ours yet. तो नाउ वी कैन स्टार्ट फर्निशिंग एंड डूइंग एवरीथिंग। वैसे आइकिया का फर्नीचर तो ऑर्डर हो चुका है, बाकी खाली बेसिक फर्नीचर आई हैव ऑर्डर्ड। आइकिया हैज ओपन टुडे इटसेल्फ, बट इट्स ओनली 7 to 12:30 एंड इट्स ओनली ऑन वीक डेज, सो आई एम वर्किंग इन दोज आवर्स, सो आई कांट रियली कम इन दोज आवर्स, सो वी विल हैव टू वेट टिल माई इंटर्नशिप एंड्स टू गो टू आइकिया एंड शॉप एनीथिंग। बेसिक चीज़ें मैंने मंगा ली है जिसके बारे में आई वॉज कॉन्फिडेंट, बाकी चीज़ें दैट आई एम नॉट कॉन्फिडेंट, आई डोंट वांट टू वेस्ट मनी नाउ। सो वी विल सी एज एंड व्हेन लाइक वी विल स्टार्ट लिविंग वी विल नो ना कितनी गरज है कितनी चीज़ों की। आई एम नॉट होपिंग टू ट्रांसफॉर्म एवरी रूम लाइक इन 24 आवर्स और एनीथिंग, बिकॉज दैट विल नीड अ लॉट ऑफ एक्सपेंस। आई नीड टू स्टार्ट लिविंग एंड सीइंग कि कितना खर्चा हो रहा है वगैरह। So yeah, that's the plan of action and अभी तो बहुत सारा काम चल रहा है। The electrician has come to fix the switches and the one fan which is not working and the AC guys are still on it with the ACs. So yeah, they are doing that right now. Today hopefully both the ACs will be up and running. So we have something going on in the house and tomorrow I will go and see if I can get a nice cross for the house. But tomorrow I'm definitely going to Bhiwandi and I'm going to be shopping for furniture. But that's it for today's video. I'm going to end the vlog right here. It's a hardcore adulting that's going to happen in Hustle with Saar episodes from now on. But I'm so glad you all are here with me to watch this. Also this beautiful golden hour for which we actually got the house in the first place. Nothing replaces a good golden hour moment. If you liked today's video, don't forget to give it a big thumbs up. For today's video, the Sara Squad shout out goes to Sanjana Madhavan. Thank you so much for watching and supporting my channel. If you want to be a part of next video, Sara Squad shout out, you know what to do. Hit that subscribe button, the bell icon right next to it, and also leave a comment down below saying hashtag Sara Squad. And you get a chance to be a part of my next video, Sara Squad shout out. I will see you guys very soon in another video. Bye guys, love you. Mwah.